रेड ऑनियन में होटल खाना हो सब कुछ ही रेड रेड है। अस्सलाम वालेकुम सब बिस्मिल्लाह। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भिंडी आए हुए भिंडी नहीं दरअसल मरी आए हुए हैं, सोचा चलो हम आपको मरी की थोड़ी सी सैर करवा दीजिए, साथ खुद भी थोड़ी सैर कर दीजिए। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे, इसको पिंडी पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से आपको काफ़ी हाइट पर है ना, तो यहाँ से आपको सारा पिंडी का व्यू नज़र आ रहा होगा नीचे, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सारा ये आपको पिंडी का नीचे व्यू नज़र आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं नीचे। ये मज़े नहीं आ रहा है लेकिन वो जो सामने है ना एरिया, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है सारे पहाड़, ये पिंडी व्यू है, पिंडी है डबल पिंडी, इसलिए इसको यहाँ पे पिंडी पॉइंट कहा जाता है। माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत एरिया है। आजकल तो चलो मौसम गर्मा है जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी होती है और काफ़ी सारी आवाम का रश होता है। ये माल रोड से थोड़ा सा आगे आते हैं, ये चेक कर सकते हैं। सामने आप चेक कर सकते हैं, इधर होटल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ये छोटी मोटी आपको शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगी, और यहाँ पे घोड़े वगैरह भी खड़े हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप घोड़सवारी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये सारा जो है व्यू आपको छोटी मोटी शॉप्स वगैरह, बाकी इसके आगे काफ़ी सारी जगह जानिए आपको खूबसूरत नज़र आ रही होंगे, सब वो चेक करें आप बादल वगैरह। ये चेक करें आप, इसको कहते हैं ये मरी में है, इसको कहते हैं पिंडी पॉइंट। चलें हमारे साथ रहिएगा, आप इसके अलावा आगे आप जहाँ चलते हैं तो आपको साथ साथ उसका विजिट कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो अभी हमारे साथ से अभी काफ़ी सारी जगह आपको और विज़िट कराना है। अभी बाकी आप थोड़ा सा फिर चेक कर लें, ये आप नीचे चेक करें, ये वादी है मरी में, काफ़ी खूबसूरत देखा है कैसी कैसी जगहों पर लोगों ने मकान बनाए हैं, काफ़ी हाइट्स पे हैं मशहूर से, काफ़ी खूबसूरत जगह है। अगर आपका कभी मरी में आना होगा तो यहाँ पर लाजम विज़िट कीजिएगा। बाकी चलें आगे चलते हैं तो आपको सब चेक करवाते हैं, बाकी आप घोड़े वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ पर, घोड़े वगैरह अब घोड़ा सवारी वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, फूड वगैरह भी कर रहे हैं, होटल वगैरह भी यहाँ से, खाने पीने वाले भी होटल वगैरह हैं, इसके अलावा मस्जिद हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपके जहाँ कहीं जाते हैं साथ साथ जाते हैं। और ये
आपको पहले हमने चेक विजिट कराया था ना पिंडी व्यू, पिंडी पॉइंट मरी में। तो अब हम थोड़ा सा आगे आए हैं यहाँ पे नथिया गली, और इसको कहते हैं झींगा गली। तो वो सामने आप मस्जिद चेक कर सकते हैं। बाकी ये देखें आप, एक पाकिस्तान के झंडा वगैरह बनाया हुआ उन्होंने फ्लावर्स वगैरह से, पत्तों वगैरह से, मशरूम से काफ़ी खूबसूरत है। ये चौक का इसका झींगा गली इसको कहते हैं, ये चौक वगैरह चेक कर सकते हो। सामने कोई मस्जिद है मेरे ख्याल में, चेक कर सकते हैं। ये झींगा गली है और बाकी वो सारा आगे इसका बाजार वगैरह है। तो बाकी आगे बोर्ड्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जैसे आप जहाँ जहाँ जाना हो आपको वह सब जगह। आपको थोड़ा सा व्यू भी चेक कराते हैं आगे पीछे का यहाँ से। बाकी आप चेक करें, काफ़ी वहाँ में रश है जहाँ भी जिस जगह पर जा रहे हैं। आगे आप दोपहर बाद भी काफ़ी जगह पे विज़िट करवाया तो वह भी काफ़ी रश था, यहाँ भी माशाल्लाह से काफ़ी रश है। जब हम पहुँचे तो काफ़ी ट्रैफिक जाम थी, तो आज भी ऐसा ही है। बाकी आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं। आप चेक करें काफ़ी खूबसूरत है, नीचे टॉप पे है काफ़ी, चेक करें आप काफ़ी हाइट पर है यहाँ पे, जो जगह जा रहे हैं काफ़ी हाइट्स पे आ रही हैं। तो मौसम काफ़ी बेहतर है। और बाकी आप चेक करें, चलिए हमारे साथ लीजिएगा। अब आगे जहाँ चलते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ ही आपने स्टे ट्यून्ड विद अस। हाँ जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आपको आज हमने झींगा गली और पिंडी पॉइंट की सैर कराई है, उसके बाद सोचा कि अब थकावट काफ़ी सारी हो गई थी, वापस चलते हैं रूम वाले सैर। लेकिन ये थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा बाजार का विज़िट करा दें आपको। ये सारा बाजार है मरी का, देखें आप शाम पा रही है तो काफ़ी सारे इधर खाने वगैरह के होटल वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। ये सारा बाजार का विज़िट। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आप सुबह कहीं पर निकलेंगे तो वो हमारे साथ रहिएगा। चेक करें ये सारा मरी का नीचे वाला बाजार है। ये आप आवाम का रश चेक कर सकते हैं बाजार में। चलें अब हम चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी की नई जगह पर घुमाते हैं, क्योंकि आज काफ़ी सारी थकावट हो गई है, बाइकिया पे सफ़र किया है काफ़ी सारा, तो जिसकी वजह से बिल्कुल बस हो रही है। आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा, लेकिन आप लोगों की भक्तों की वजह से सब कुछ करना पड़ रहा है। हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपको हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, चलो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।